दो, हमारे दो, जो भी मिले उसे बेच दो, ये पॉलिसी है। मैं सरकार से आज तीन गंभीर सवाल करना चाहता हूं और पार्टी के पटल से इन तीन सवाल हमने 4 दिन पहले भी किए पर कोई उत्तर नहीं आया। मैं ये पूछना चाहता हूं कि सामरिक महत्व के सरकारी संपत्तियों को आप निजी क्षेत्रों के हवाले क्यों करना चाहते हैं? उससे देश को क्या मिलेगा? ट्रांसमिशन लाइन को आप निजी क्षेत्र के हवाले क्यों करना चाहते हो? उससे सिर्फ मोनोपोली का, एकाधिकार का निर्माण होगा। डियोपोली मतलब दो लोगों का नियंत्रण हो जाएगा, पावर सेक्टर पर, रोड सेक्टर पर, एयरपोर्ट्स पर, पोर्ट्स पर, भंडारण पर। आप दो लोगों का आधिपत्य क्यों जमाना चाहते हो? हमने सवाल पूछा है सरकार से कि माननीय प्रधानमंत्री जी हर 15 अगस्त को 100 लाख करोड़ की इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करके चले जाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2019 15 अगस्त, 2020 15 अगस्त, 2021 15 अगस्त को 100 लाख करोड़ की बात कही। उसमें कितना निवेश हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर पर? एक फूटी कौड़ी का भी निवेश नहीं हुआ। हम सरकार से पूछना चाहते हैं, जब ये संपत्तियां 27,000 किलोमीटर की रोड, 28,000 किलोमीटर की पावर ट्रांसमिशन लाइन, 8,000 किलोमीटर की गैस पाइपलाइन, 210 मेट्रिक टन की भंडारण व्यवस्था जब निजी हाथों में चले जाएगी तो क्या एकाधिकार का निर्माण नहीं होगा? और एकाधिकार का निर्माण होगा तो उसका उसका दंड किसे भुगतना पड़ेगा? हमें, आपको और हमारी आगे आगे आने वाली पीढ़ियों।